हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है व्हाई देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर द पॉलिटिशियन। देयर शुड बी रिटायरमेंट एज, देयर शुड बी रिटायरमेंट एज फॉर पॉलिटिशियंस। व्हाट डू यू थिंक द एज शुड बी? कितने साल की होनी चाहिए एज? हाँ, 60। आई एग्री विद यू, 60 इज अ गुड एज फॉर पॉलिटिशियंस टू रिटायर। 60 इज अ वेरी गुड एज। आई थिंक देयर शुड बी अ रिटायरमेंट एज। सर, होता है ये कि ये सोशल मीडिया ओपन होने के बाद हर कोई सुबह उठ के पहला काम करता है कि अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता है, लेकिन सोशल मीडिया के पोस्ट को कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए देखता है। तो खुद की पर्सनैलिटी निर्भर रखता है लोगों के रिएक्शन के ऊपर। आपने सर लास्ट 10-12 सालों में आपने मीडिया में बहुत कुछ अपने नाम पे सहा, आपने बहुत सारी टीकाएं सही, आपने बहुत कुछ सहा, इसके बावजूद भी आप डटकर खड़े रहे, खुद पे विश्वास रखा और अभी आप 2019 के इलेक्शन को सामने जा रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि एक दो लाइनें आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि ये जो वर्चुअल रियलिटी में लोग रह रहे हैं और खुद को दूसरे की आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ करो। रह लीजिए वर्चुअल रियलिटी में। अगर जिंदगी वर्चुअल रियलिटी में जीनी है, जी लीजिए। एक दिन रियलिटी सामने आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन रियलिटी सामने आ जाएगी, उस दिन आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा। रियलिटी से आप भाग नहीं सकते हो। रियलिटी से कोई मतलब, आप सपने की दुनिया में रहना चाहो, आप माया में रहना चाहो, रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एंड में आपको रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। एंड में आपको काम करके परिवार को, बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा, माता पिता की देखभाल करनी पड़ेगी। ट्विटर से आपके माता पिता की, बच्चों की देखभाल नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। मगर ये तो आपके ऊपर चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप वर्चुअल रियलिटी में जीना चाहते हो, जी लो। मैं तो रियलिटी में जीता हूं, मुझे रियलिटी में अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल की दुनिया में रियलिटी में रहते हैं, सच्ची बातें करते हैं, प्यार से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, नफरत से, क्रोध से फायदा नहीं होता है, हिंसा से फायदा नहीं होता है। हिंसा से फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर आती है, फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग यू आर टेकिंग टू। और ये आखिरी सवाल, इसके पहले मैं चाहता हूं कि राहुल जी, आप पुनः आए हो, सब लोग चाहते हैं कि आपको यहां पे आके कैसा लगा, ये आपसे, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द मराठी में बोले, खूब छान वाटला, खूब छान वाटला, खूब छान वाटला। थैंक यू।